मंदिर में घुसते के साथ ही राधा कृष्ण जी की अद्भुत नक्काशियां देखने को मिलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, हम अभी हैं उत्तर प्रदेश के वृंदावन शहर में, और आप लोग जानते ही होंगे वृंदावन और मथुरा किस लिए फेमस है। तो जो लोग नहीं जानते उन लोगों को मैं बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण की यह जन्मभूमि है, और इस शहर में एक आकर्षक और खूबसूरत धाम का निर्माण करवाया गया जेसी चौधरी द्वारा, जो कि देखने में अपने आप में ही आकर्षक है। यह मंदिर लगभग 7.5 एकड़ में फैला हुआ है। इस मंदिर के छत पर लगभग 141 फीट ऊंचा माँ वैष्णो देवी की मूर्ति है, और भगवान हनुमान की प्रतिमा लगभग 32 फीट ऊंचा है। ये देखिए, ये झरना कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, वाटरफॉल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है यहाँ से। और ये जो नीचे देख रहे हैं, गुफा से निकलने का रास्ता है नीचे का, और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में प्रवेश करते हैं ऊपर से। ये देखिए गुफा प्रवेश, यहाँ से हम लोग घुसेंगे। इसके अंदर में भगवान के जो है माँ वैष्णो देवी के, उनके 9 रूपों का दर्शन करेंगे, और साथ में गणेश जी का भी दर्शन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग गणेश जी से ही शुभारम्भ करते हैं। देवों के देव गणेश जी, घुसते के साथ ही गणेश जी का दर्शन हो जाएगा आपको, उसके बाद माँ वैष्णो देवी का दर्शन होगा आपका। पूरे गुफा में माता रानी का भजन गूंज रहा है, तो चलिए दर्शन करते हैं माँ का पहला रूप का दर्शन, माँ शैलपुत्री जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में। माँ का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी, माता का तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा। देखिए, तो चलिए चलते हैं माता का चौथा रूप की ओर, माँ कुष्मांडा। लाइट के कारण नाम नहीं दिख पा रहा। उसके बाद दूसरी ओर माता का पांचवा रूप माँ स्कंद माता। देखिए, और माता का छठा रूप माँ कात्यानी, माता का सातवां रूप माँ कालरात्रि, माँ काली जी का। और माता का आठवां रूप महागौरी। देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी यहाँ से भेजा जा रहा है। और माँ का नौवां रूप और आखिरी रूप माँ सिद्धात्री। देखिए, उनके बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है। और आखिर में भैरव जी का मूर्ति है। एक्चुअली मान्यता ये कि जहाँ भी दुर्गा जी का पूजा होता है वहाँ भैरव जी को रखना जरूरी होता है, तभी आपका मांगी हुई चीज़ें पूर्ण होती है। तो चलिए अभी हम लोग गुफा से बाहर की ओर चलते हैं। अगर आप यह मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं तो आप अगर ट्रेन से आते हैं तो मंदिर से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर सबसे नज़दीक स्टेशन जो पड़ेगा आपका मथुरा जंक्शन पड़ेगा, उसके बाद आप रिक्शा या कार से आ सकते हैं। इस मंदिर में प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता है, और साथ ही साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं किया जाता है, लेकिन मेरे जैसे ही लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ताकि आप लोग अच्छे से दर्शन कर सके घर बैठे बैठे। और मंदिर का खुलने का समय सुबह 6 बजे से दोपहर का 1 बजे तक है, और शाम में 4 से 8 बजे तक है। सो गाइस, फाइनली हम लोग गुफा से बाहर निकल चुके हैं, उसके बाद परिक्रमा किया जाता है एक्चुअली यहाँ पे। तो चलिए परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करते के साथ ही यहाँ पे सामने चरण पादुका दिखेगा जो कि भगवान हनुमान जी का है, इनका दर्शन कर लेते हैं।
उसके बाद हम लोग चलते हैं मंदिर का परिक्रमा करते हैं। यहाँ पे भक्त जनों का काफी ज्यादा संख्या में भीड़ होती है और फाइनली हम लोग आगे पहुंच चुके हैं। देखिए माता जी एकदम सामने आकर के मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए कितना बड़ा शेर है। अरे जो माता रानी का शेर है ना लगभग 35 फीट ऊंचा है। तो फाइनली गाइस हम लोग नीचे आ चुके हैं और यहाँ से देखिए मैं चारों ओर आपका दर्शन करा देता हूँ। दोस्तों जो लोग इस ब्लॉग में न्यू आए तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। टेक केयर, अपना ध्यान रखें। बाय बाय।